हेलो स्टूडेंट, चलिए तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके सीए में फाउंडेशन के फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जाम के बारे में। उस एग्जाम के अंदर जो आपको इतने इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज देखने को मिले थे, आज हम उन एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था वो था गुड्स बॉट फॉर रुपीज 32,000 पास थ्रू द सेल्स डे बुक विल रिजल्ट इन। तो बहुत आसान है, अगर आपने कुछ गुड्स परचेज करी है, बॉट करे हैं 32,000 रुपए के, और आपने उनको सेल्स बुक में दिखा दिया है, तो उससे क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपने एक खर्चे को, एक्सपेंस को सेल्स बुक में दिखा दिया तो आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ जाएगी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। सो इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट डी इसका सही जवाब है। नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल गलत है, डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट हो ही नहीं सकता क्योंकि आप सेल्स बुक में दिखा रहे हो, आप एक इनकम दिखा रहे हो, और डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट सवाल ही नहीं होता, नेट प्रॉफिट तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है। तो सही जवाब है डी, आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों ने डी पे टिक किया है आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आइए अगला देखते हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन। अगर यहां पे लिखा होता क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता परचेज डे बुक, लेकिन यहां पे तो क्रेडिट परचेज दे रखी है फिक्स्ड एसेट्स की। अगर यहां पे लिखा होता कैश परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट तो मैं बोलता कैश बुक में रिकॉर्ड करो। तो ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जो ना तो परचेज बुक में आएगा ना ही कैश बुक में आएगा, ऐसे ट्रांजेक्शन को हम दिखाते हैं जर्नल प्रॉपर के अंदर। तो सही जवाब है इसका ए, और मुझे पूरी उम्मीद है काफी लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया होगा एग्जाम में। एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन, एक एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल नेचर का कब होता है? वो कैपिटल नेचर का तब होता है जब वो आपके फिक्स एसेट्स को इंक्रीज कर दे या आपके फिक्स एसेट्स की जो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा दे। तो आइए देखते हैं चारों में से कौन सा सही जवाब है। द रिसीवर ऑफ द अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिसीवर ऑफ द अमाउंट मतलब आपने एक्सपेंडिचर क्या है कैपिटल नेचर का, मान के जी आपने एक मशीन खरीदी है तो जिसको पैसा मिल रहा है उससे आपको क्या करना, आप डिसाइड करोगे कि आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, तो ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल सा है। इट इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट, जी हाँ बी इज द राइट आंसर। जैसा कि मैंने कहा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके फिक्स्ड एसेट्स की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉर द बिजनेस, बिल्कुल नहीं, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एंड इट मेंटेन्स ऑफ फिक्स एसेट, तो मेंटेन अगर आप फिक्स एसेट को मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहे हैं, उसके रिपेयरिंग पे खर्चा कर रहे हैं, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो मुझे उम्मीद है काफी लोगों ने डी पे भी टिक किया होगा। तो सही जवाब है इसका बी ना कि डी। आगे बात समझ में, चलिए। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, अकाउंटिंग के अंदर हम नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड करते, बिल्कुल सही कहा सर आपने, ये तो मैंने कहा, लेकिन बुक में कहां लिखा है? सर बुक में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपको बताता है कि जो भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो अक्रूअल कॉन्सेप्ट तो ये बताता है कि ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करो। गोइंग कंसर्न बताता है कि आपका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, गोइंग कंसर्न, ओके। और एंटिटी कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है कि आपका बिजनेस और उसके जो ओनर है दो सेपरेट पर्सन है। तो सही जवाब है इसका सी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। द बुक वैल्यू ऑफ असेट वॉज 1,45,800, तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो आपको असेट की बुक वैल्यू दे रखी है 1,45,800 आफ्टर चार्जिंग 3 years डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू बेसिस। तो ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर, ये है थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आपके एसेट की वैल्यू कितनी है 1,45,800, और कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने हर साल 10% रिटर्न डाउन वैल्यू पे, और रिटर्न डाउन वैल्यू पे आपको पता है कि डेप्रिसिएशन हम उस साल का जो ओपनिंग WDV होता है उस पे चार्ज करते हैं। तो मुझे तीसरे साल का क्लोजिंग तो पता है, ओपनिंग नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 10% डेप्रिसिएशन था, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 90% के इक्वल है। तो अगर मैं इसको 145,800 को 90% से डिवाइड कर दूं तो आपको मिल जाएगा 1,62,000। ये हो गया थर्ड ईयर का ओपनिंग WDV, यानी कि सेकेंड ईयर का क्लोजिंग WDV। अब ये भी 10% एप्रिसिएशन के बाद है, तो इसको भी आप डिवाइडेड बाय 90% कर दो, तो सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में 1,80,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 90% करने पे 1,80,000 ओपनिंग WDV आएगी। ये हो गई फर्स्ट ईयर की आपकी क्लोजिंग WDV। अब हमें क्या पता करना है, व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन, यानी कि पहले साल के स्टार्टिंग में जब आपने इसे खरीदा था तब इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, ठीक है। तो 1,80,000 को भी आप डिवाइडेड बाय 90% कर दो, क्यों, क्योंकि पहले साल के एंड पे, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन तो लगा ही होगा 10% का, जी हाँ। तो डिवाइडेड बाय 90% करने पे आप पाओगे असेट की कॉस्ट 2,00,000 रुपए। तो आपने इतने का असेट उठाया था 2,00,000 का, फिर आप उसको हर साल 10% 10%
आप उसे वो क्या करते रहे, डेप्रिसिएशन देते रहे उस पर, तो थर्ड ईयर के एंड में जाके आपको ये वैल्यू मिली। तो सही जवाब है 2 लाख और ये रहा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सी यहां पे सही जवाब है। आई होप आपने सी पे ही टिक किया होगा। आगे बढ़ते हैं, विच वन इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आइए देखते हैं। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। ओके, तो ये हमारा सही जवाब नहीं है क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट पिक करना है। डेबिट ऑल इनकम्स क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस, बिल्कुल गलत है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है बी, ये गलत है। तो यही हमारा सही जवाब है। डेबिट व्हाट कम्स इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सही है। डेबिट ऑल असेट्स क्रेडिट ऑल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सही जवाब है यहां पे बी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, इसमें से कौन सा स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का। तो देखो, अकाउंटिंग साइकिल के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उनकी लेजर पोस्टिंग करना, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, सब कुछ कवर होता है। तो लेजर इसका पार्ट होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाना एडजस्टेड, ये भी इसका पार्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना भी इसका पार्ट होता है। तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नाउ एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, देखते हैं। तो परचेस प्राइस दे रखी है आपको मशीन की, जो कि 8,90,000 है, और उस पर फ्रेट और कार्टेज 7,000 लगा है। तो आपको पता ही है कि मशीन के परचेस करने पे जो एक्सपेंस होते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं मशीन के परचेस से रिलेटेड, वो हम मशीन की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8,90,000 प्लस 7,000, उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। इंश्योरेंस चार्जेस 20,000 के हैं, ये मत ऐड करिएगा, ये मशीन का इंश्योरेंस है, ठीक है। ये हर साल आपको देना होगा, तो इसे आप मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई, 8,90,000 प्लस 7,000 प्लस 30,000, तो ये आ गया 9,27,000 रुपया। एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल की और कोई भी रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन बताना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखो कैसे कंफ्यूज किया, सेकेंड ईयर डेप्रिस, तो काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं सेकेंड ईयर का क्या होगा। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है और स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल का जो डेप्रिसिएशन होगा, जो डेप्रिसिएशन पर एनम होता है हर साल, वो सेम होता है। तो आपको एक ही बार डेप्रिसिएशन निकालना है। तो ये रही एसेट की कॉस्ट, ये रही उसकी लाइफ। तो आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा 1,85,400 पर एनम है, हर साल सेम होगा। तो सेकेंड ईयर में भी यही अमाउंट होगा। तो ये रहा सी, 1,85,400, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपने सी पे ही टिक किया होगा। आइए, बैंक हैज डायरेक्टली पेड 2,250 फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आपने बैंक को बोला हुआ था कि इस डेट पर इतने इतने का बिल मेरा पे कर देना, ठीक है। इन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद पासबुक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये रहा कैशबुक का ओवरड्राफ्ट, ये रहा आपका पासबुक का ओवरड्राफ्ट, ठीक है, दोनों में ओवरड्राफ्ट है आप मान के चलो। अब एक खर्चा है 2,250 का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बैंक ने पे कर दिया, तो बैंक ने ओवरड्राफ्ट को क्या किया होगा, आपके बढ़ा दिया होगा। खर्चा हमारे ओवरड्राफ्ट को और बढ़ा देता है, पर हमने तो नहीं बढ़ाया। अब हमारी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यही है पासबुक का ओवरड्राफ्ट। तो ये रहा कैशबुक, ये रहा पासबुक का ओवरड्राफ्ट, दोनों अभी सेम है, बैंक ने बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ाया, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है, तो हमें इसे कम करना पड़ेगा। सो 2,250 विल बी एडेड टू द पासबुक ओवरड्राफ्ट, नहीं, 2,250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पासबुक ओवरड्राफ्ट, ये है सही जवाब, ठीक है। चलिए, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस क्लेम निल। आपके 20,000 रुपए के जो गुड्स हैं वो एक्सीडेंट में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, और जो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है वो मिला है जीरो, निल। ₹20,000 विल बी क्रेडिटेड टू द ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। देखो इसमें सीरीज बता देता हूं, यहां पे कोई एंट्री नहीं होती ज्वाइंट वेंचर में। आपके 20,000 के गुड डिस्ट्रॉय हो गए एक्सीडेंट में, ठीक है, आप इसे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में कहीं भी शो नहीं करोगे। सो नो एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर। आइए, वन रिसिप्ट ऑफ गुड्स द कंसाइनी डेबिट्स विच ऑफ दीज अकाउंट्स, ये वन नहीं है, ऑन है, ठीक है। ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स रिसीव करते हैं तो कंजाइनी किस अकाउंट को डेबिट करता है, कंजाइनी नहीं, कंजाइनर करता है। तो क्या कंजाइनी यहां पे परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा, नहीं, गुड्स अकाउंट को बिल्कुल नहीं, कंजाइनर अकाउंट को नहीं, नन ऑफ द अबव। जब भी गुड्स रिसीव होते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं या गुड्स ट्रांसफर करते हैं, तो जो कंजाइनर है वो अपनी बुक्स में उसकी एंट्री पास करता है, कंजाइनी यहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं। कंजाइनी तो एंट्री करता है किसकी, जो भी उसका कमीशन बनता है, ठीक है, उन सब चीजों की। अगला देखते हैं, एक्स सेंड्स आउट गुड्स टू वाई कॉस्टिंग 2,50,000, ठीक है, एक्स दे वाई को
2.5 लाख रुपए कॉस्ट के गुड्स भेज दिए. वेरी गुड. गुड्स आर टू बी सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%. ये जो गुड्स हैं ये कॉस्ट पे 25% एड करके मार्केट में इन्हें बेचेगा कौन? वाई. द कंजाइनर आस्क कंजाइनी, कंजाइनर ने यानी कि एक्स ने वाई को बोला टू पे एन एडवांस, कि मुझे एडवांस दे दो फॉर एन अमाउंट, कितना? जो कि 60% होगा किसका? सेल्स वैल्यू का. तो बेसिकली आपको यहाँ पे सेल्स वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो 2.5 लाख प्लस 25%, ठीक है, तो सेल वैल्यू आ गई 3,12,500. अब इसका 60% वो एडवांस मांग रहा है, यानी कि ये आ गया आपका 1,87,500. तो आंसर है डी. तो कितना इजी क्वेश्चन था. अगर आपने कंसाइनमेंट थोड़ा भी ठीक से किया होगा, अगर आपने जो हमारा मैराथन हुआ था सीएमएफ फाउंडेशन के लिए उसमें बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया था, अगर वो अटेंड किया होगा तो आपके लिए पेपर बहुत बहुत ज्यादा आसान रहा होगा. आगे चलते हैं. ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज ऑफ द नेचर ऑफ, अरे ज्वाइंट वेंचर में क्या दिखाते हो? सर ज्वाइंट वेंचर की इनकम, ज्वाइंट वेंचर के एक्सपेंस, और वो अकाउंट जिसके अंदर इनकम और एक्सपेंस आते हैं वो कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है. तो सही जवाब है बी, नॉमिनल अकाउंट. एट द टाइम ऑफ डिसऑनर, ध्यान से देखिएगा इंटरेस्टिंग है. एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एन एंडोर्स्ड बिल, एक्स एक पार्टी है, वाई एक पार्टी है, जेड एक पार्टी है. एक्स कौन है पता है आपको? ड्रॉयर है बिल का. वाई कौन है आपको पता है? हाँ, ड्रॉई है जिसके ऊपर आपने बिल ड्रॉ किया था. जेड कौन है? सर जेड ना एंडोर्सी है, इसको ना एक्स ने बिल एंडोर्स किया था. अब फिर से पढ़ते हैं. एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एन एंडोर्स बिल, बिल एंडोर्स हो चुका है, अब ड्यू डेट में कौन किसको पैसा देगा? सर जो ड्रॉई है ना वो जेड को देगा. लेकिन क्या हुआ ड्यू डेट पे? बिल डिसऑनर, मतलब वाई ने जेड को पैसा नहीं दिया, ड्रॉई ने एंडोर्सी को पैसा नहीं दिया. ओके, विच वन ऑफ दीज अकाउंट्स वुड बी क्रेडिटेड बाय ड्रॉई? यहां पे जो वाई है डिसऑनर के बाद अपनी एक एंट्री पास करेगा जिसमें वो बिल्स पेबल जो कि उसकी लाइबिलिटी थी उसको डेबिट करके क्लोज करेगा. क्रेडिट किसको करेगा? सर वाई यानी कि ड्रॉई फिर से उसको क्रेडिट करेगा जिसको उसको पैसा देना था ओरिजिनली, किसको? एक्स को. तो टू ड्रॉयर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है. तो यहां पे सही जवाब है बी, ड्रॉयर्स अकाउंट. तो अगर आपने एंट्रीज अच्छे से देखी होंगी बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल की तो बहुत आसानी से आपने इसका जवाब दिया होगा एग्जाम में. आइए, द डेट्स रिटर्न ऑफ अर्लियर एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर, बहुत आसान है. अगर आपके कुछ बैड डेब्ट्स हो गए थे और बाद में वो रिकवर हो गए तो आप उसे किस अकाउंट में लेके जाते हो? बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट. सो क्रेडिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, इनकम है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. विच इज इंटेंडेड टू बी यूज ओवर लॉन्ग टर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स देयर फ्रॉम, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं ताकि हम उससे प्रॉफिट कमा सके? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो इसलिए होते हैं कि आज खर्चा किया कल मुझे उससे फायदा हो गया, या 10 दिन बाद हो गया, या 6 महीने बाद हो गया, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं. लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म तो आपका 1 साल से ज्यादा समय होता है. तो सही जवाब है यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको इनकर करने पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा लंबे समय तक, यानी कि लॉन्ग टर्म. तो सही जवाब है इसका बी, कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगला देखते हैं. When opening stock is 50,000 रुपए, closing stock 40,000 रुपए, sales है 2,40,000, and if the profit margin is 20% on cost, then purchases will be. तो इसके लिए एक सिंपल सी इक्वेशन दिखाता हूं मैं आपको. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स कितनी है? 2,40,000. ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? सर 20% है, तो 2,40,000 का 20% ले लेंगे. नहीं, बहुत लोगों ने मुझे पता है एग्जाम में ऐसा किया होगा. 20% कॉस्ट पे बेटा, यानी कि 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो 1/6 ऑन सेल्स हो जाएगा, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट 40,000. अगर आप 2,40,000 का 1/6 लोगे तो आपका जो COGS है वो आ गया 2 लाख रुपए. अब देखो कितना आसान है. क्यों? ओपनिंग स्टॉक पता है 50,000, हाँ, प्लस परचेसेस निकालना है, एक्स ले लो, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, बस एक्स यानी कि मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है आपको. तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख माइनस 50,000 प्लस 40,000, तो 1,90,000 रुपए की परचेस की थी आपने. तो सही जवाब है इसका ए, 1,90,000, ठीक है. चलिए चलिए, तो अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. The accounting equation assets is equals to liabilities plus owners and equity is formal expression of the. बहुत अच्छा है, बहुत आसान भी है.
आपको पता है कि assets is equals to क्या होता है, liability plus owners equity, जिसे हम capital भी बोलते हैं। तो ये किस चीज का expression है? क्या ये money measurement concept का expression है? बिल्कुल भी नहीं। money measurement तो ये बोलता है कि कोई भी transaction हो वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। क्या ये मैचिंग कॉन्सेप्ट का है? बिल्कुल नहीं। मैचिंग कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि रेवेन्यू को हम एक्सपेंसिव मैच कराते हैं जब हम ट्रेडिंग पीएनएल प्रिपेयर करते हैं। क्या ये फुल डिस्क्लोजर है? नहीं। फुल डिस्क्लोजर तो ये बोलता है कि कोई भी चीज है उसे आपको पूरी तरह से डिस्क्लोज करना है। क्या ये ड्यूअल एस्पेक्ट है? जी हाँ, ड्यूअल एस्पेक्ट ही है यहाँ पे सही जवाब, क्योंकि कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के आपके दो इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, जो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं असेट जनरली हमारे डेबिट बैलेंस शो करते हैं, लाइबिलिटीज और कैपिटल हमारी क्रेडिट बैलेंस शो करती है। आइए, तो सही जवाब है डी। इसके बाद when a check is received and it has been deposited into bank at a later date, then on the later date the dash will be credited। देखो, जब आपने चेक रिसीव किया लेकिन आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, तो जब आप चेक रिसीव करते हो और उसे आगे चल के कभी बाद में डिपॉजिट करते हो, तो कुछ समय के लिए आप कैश अकाउंट को अपना डेबिट कर देते हो। और जब आप उस चेक को आगे चल के डिपॉजिट करते हो, तो यही कैश अकाउंट जो आपने डेबिट किया था, आप उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। सो आंसर है बी, कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। At the end of the accounting year, ध्यान से देखिएगा, outstanding subscription and outstanding rent of a club will be shown dash in the balance sheet। ध्यान समझो, subscription आपकी income होती है और rent आपका expense है। Outstanding subscription मतलब income due हो चुकी है लेकिन नहीं मिली है, ठीक है, तो ये हमारा asset हो गया। और outstanding rent मतलब एक्सपेंस ड्यू हो चुका है पर हमने पे नहीं किया, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लाइबिलिटी है। इसे हम बैलेंस शीट में कहां शो करेंगे? ये देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन लाइबिलिटी साइड, बिल्कुल नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन लाइबिलिटी साइड। तो सही जवाब है इसका डी। तो अगर आपको बेसिक पता है तो आप काफी इजीली इसका जवाब दे सकते हो। इसके बाद सैलरीज हैव बीन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3 लाख, ठीक है। सपोज करिए ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, यहाँ पे हम इनकम दिखाते हैं क्रेडिट पे और डेबिट में एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे आपने 3 लाख रुपए की सैलरी दिखा रखी है, मतलब ये पूरे 12 महीने की सैलरी है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम ड्यू बेसिस पे दिखाते हैं चीजें, अक्रूअल बेसिस पे पूरे 12 महीने का दिखाते हैं, ठीक है। इट वॉज आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 42,000, साल के स्टार्टिंग में 42,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर 3 मंथ्स, और साल के अंत में 3 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो आपके आपको निकालना पड़ेगा कैसे, ये रही साल भर की सैलरी 3 लाख, इसे आप डिवाइड करो 12 से, इंटू कर दो 3 से, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, 75,000 रुपए की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो सवाल ये है, आपने कितनी सैलरी पे करी ड्यूरिंग द ईयर? बहुत आसान है, कैसे, 42,000 की आउटस्टैंडिंग थी, प्लस कर दो 3 लाख जो इस साल की सैलरी है, ये भी तो पे करोगे ना, है ना। तो आपको टोटल पे कितना करना है? 3,42,000, उसमें से 75,000 अभी भी ड्यू है साल के अंत में, तो आपने पे कितना किया होगा? 2,67,000 रुपीज की सैलरी। सही जवाब है बी, 2,67,000। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर यूजली रिलेटेड टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपको बताना है इसमें से कौन से आइटम ऐसे हैं जो जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। तो एंडाउनमेंट, जी हाँ बिल्कुल, हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में इसके बारे में। लेगेसी भी एनपीओ से रिलेटेड होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस भी, ट्रांसफर फीस जैसी कोई चीज हमने एनपीओ में कभी नहीं सुनी है तो ये नहीं होती, और एंट्रेंस फीस। तो 1, 2, 3 and 5, ये 4 ऐसे हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। अब देख लीजिए कहां पे है 1, 2, 3 and 5, 1, 2, 3 and 5, तो सही जवाब है आपका सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इनकम टैक्स इज, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो इनकम टैक्स होता है उसे हम एक पर्सनल एक्सपेंडिचर मानते हैं ओनर का, ठीक है। तो डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, शोन इन द बैलेंस शीट एज करंट लायबिलिटी, ट्रीटेड एज प्रोप्राइटर्स पर्सनल, जी हां, तो सही जवाब है सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन चारों में से कौन सा ऐसा आइटम है जिसे हम ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम को करते हैं, हाँ सर, ट्रेडिंग पीएनएल में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इनकम ही आते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें नहीं आता, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो डेप्रिसिएशन होता है वो इसमें आता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा इसमें नहीं आता। सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ रेवेन्यू इनकम करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करते हैं? इंक्लूड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम्स। तो सही जवाब है इसका ए। चलिए आगे देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड
पेमेंट अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। देखो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हम अक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं, जैसे कि आप अपना पीएनएल बनाते हो, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक जैसा होता है, तो ये कैश बेसिस पे बनता है। देख लो क्या कैश बेसिस पे बनते हैं दोनों? नहीं। अक्रूअल पे बनते हैं दोनों? नहीं। क्या पहला वाला कैश बेसिस पे बनता है इनकम और एक्सपेंडिचर? नहीं, ये तो अक्रूअल पे बनता है, तो ये भी गलत हो गया। सही जवाब है डी, क्यों? ऑन द अक्रूअल बेसिस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑन कैश बेसिस। बहुत ही सिंपल सवाल था, आई होप आप लोगों ने बिल्कुल एग्जाम में इस पे सही टिक किया होगा। नाउ व्हेन एट द एंड ऑफ द ईयर द एंट्री क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट विथ ₹65,000 एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट विथ ₹65,000 इज मेड इन द बुक्स देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन। ध्यान समझना इसमें क्या बोल रहे हैं लोग, कि साल के अंत में आपने एक एंट्री करी कि आपने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया 65,000 से और परचेस को आपने क्रेडिट किया 65,000 से। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? आपने परचेस को कम कर दिया क्रेडिट करके, और मतलब परचेस में से ₹65,000 निकाले और उसे क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया, ठीक है। देन द क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसे आप कहां दिखाओगे? क्या आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे? बिल्कुल नहीं। आप देखो पहले ही परचेस को माइनस कर चुके हो, सपोज करो ये ट्रेडिंग है, आपने यहां परचेस में से 65,000 माइनस कर दिया और आप कह रहे हो कि मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक को यहां भी दिखाऊंगा। अगर यहां दिखा दोगे क्रेडिट साइड पे तो ये फिर से माइनस नहीं हो गया, तो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। सो इन बैलेंस शीट ओनली। आइए, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ शेखर स्टोर्स ऑन 31st मार्च 2023, ठीक है। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है ट्रायल बैलेंस, देखिए क्या क्या दे रखा है। आपको बैड डेट्स बता दिए 15,500 के हैं, आपको डेटर्स बता दिए गए 3,00,000 के हैं, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 1 अप्रैल 2022 यानी कि साल के स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि 18,000 का है, ठीक है। इफ द शेखर स्टोर्स मेक्स अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, यानी कि वो अपने डेटर्स पे 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, आपको बताना है द अमाउंट फॉर सच प्रोविजन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2023। आप पीएनएल में कितना प्रोविजन चार्ज करोगे? तो देखो आपके डेटर्स कितने, 3,00,000, ठीक है, इसका 5% कितना हो गया 15,000। अब आपके पास पहले से कितना प्रोविजन था, 18,000, और आपके बैड डेट्स कितने हैं, 15,500, तो 18,000 में से 15,500 उड़ा दो, है ना, तो कितना प्रोविजन बचा आपके पास, 2,500, और एक मिनट, हाँ 2,500 बचा और आपको कितना चाहिए, 15,000, तो कितने से बनाओगे आप और प्रोविजन, ₹12,500 से। तो सही जवाब है इसका बी, 12,500, ठीक है। अच्छा, परचेसेस आपको दे रखिए 15,20,000 रुपए की, वेजेस और सैलरीज 2,10,000 के हैं, सेल्स है 21,60,000 की, ओपनिंग स्टॉक 2,08,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,20,000, ऑडिट फीस है 15,000, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, तो ध्यान रखना जब भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे ऑडिट फीस मत लेना, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये पीएनएल प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त होता है, पीएनएल अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो हमें क्या क्या चाहिए? सर आपको चाहिए परचेसेस 15,20,000, सर ये क्या बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, ठीक है। वेजेस और सैलरीज बिल्कुल आएगा, वेजेस और सैलरीज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, अगर यहाँ पे सिर्फ सैलरी होता मैं नहीं लेता, अगर यहाँ पे सैलरीज इन वेजेस होता तो भी मैं नहीं लेता। सेल्स 21,60,000 आपकी इनकम है, क्रेडिट पे लिख दो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 2,08,000 यहाँ पे आ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक है 2,20,000, ऑडिट फीस को इग्नोर कर दो, ठीक है। तो 21,60,000 प्लस 2,20,000 माइनस 2,08,000 माइनस परचेस 15,20,000 माइनस वेजेस 2,10,000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 4,42,000 रुपीज। सी इज द राइट आंसर, बहुत ही सिंपल था, आई होप आपने ये ऑडिट फीस को इंक्लूड नहीं किया होगा, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज अ डैश, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट कौन सा होता है? देखो नॉमिनल रियल गलती से मत करना, जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है कंफ्यूजन सिर्फ दो चीज में होगा, या तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल होगा या फिर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है किसको, जिसे आपने इंश्योरेंस पे करके रखा है, आपने जिसको इंश्योरेंस पे किया है, या तो कोई ऑब्वियसली कोई ऑर्गेनाइजेशन ही होगा, कोई आर्टिफिशियल मतलब कोई पर्सन होगा, ठीक है। तो ये जो अकाउंट है ये उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आंसर है सी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अ ट्रायल बैलेंस शोज कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, बिल्कुल नहीं। ऑनेस्टी, बिल्कुल नहीं। कंप्लीट एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट एज वेल एज ऑनेस्टी, बिल्कुल भी नहीं। ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं। द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल
creditor to whom the amount in the bill is made payable to is known as the dash of the bill. तो बहुत simple है. The person other than original creditor मतलब जब जैसे suppose करो A और B. A ने B को sell कर दी. ठीक है. तो ध्यान सुना, A ने B को sell करी है. तो A के लिए B कौन है? Debtor. और B के लिए A कौन है? Creditor. तो original creditor कौन है यहाँ पे? A. तो जब A B पे bill draw करेगा तो B A को payment करेगा. ये है original creditor. The person other than original creditor to whom the amount in the bill is made payable. अब कई बार क्या होता है कि drawer bill endorse भी कर देता है या bank से वो करवा लेता है, क्या बोलते हैं उसे हम, discount या endorse कर देता है मान लो Z को. तो उस केस में जो बंदा है जिसे पेमेंट मिलेगा आखिरी में, वो अब A नहीं है, ओरिजिनल क्रेडिटर नहीं है, वो बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है पे. सीधी भाषा में पे इज द पर्सन जिसको ड्यू डेट पे पैसा मिलेगा. ठीक है. तो सही जवाब है बी, पे. आगे आते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल. बहुत ही सिंपल था. रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब होता है जब ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो जाता है, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट. अच्छा, विच ऑफ दीज अकाउंट इज नॉट ओपन इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर. कंजाइनर कौन सा अकाउंट नहीं ओपन करता है? कंजाइनमेंट अकाउंट बिल्कुल करता है, उसे प्रॉफिट लॉस जानना है तो कंजाइनमेंट अकाउंट तो ओपन करेगा ही करेगा. कमीशन अकाउंट नहीं करेगा. क्यों? कंजाइनर को थोड़ी ना कमीशन मिलता है, कमीशन तो कंजाइनी को मिलता है. तो कंजाइनी अपनी बुक्स में कमीशन अकाउंट खोलेगा. ठीक है. तो नॉट ओपन जवाब हमको मिल चुका है बी. गुड सेंट ऑन कंजाइनमेंट ओपन होता है. कंजाइनी का पर्सनल अकाउंट भी कंजाइनर ओपन करता है, सिर्फ कमीशन अकाउंट वो ओपन नहीं करता. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज दी प्रॉफिट. बहुत ही सिंपल था ये, बिल्कुल बेसिक, आपने स्कूल में पढ़ा होगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है? फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं एक पीरियड के लिए, या फाइनेंशियल पोजिशन, यहीं पर काट दो, पोजिशन बैलेंस शीट दिखाता है. ठीक है. फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंसर्न ऑन अ पर्टिकुलर डेट या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो होता ही है, पर सिर्फ ये नहीं होता. तो कंफ्यूजन सिर्फ दो में है, एक है ए और दूसरा है सी. तो देखो फर्क कहां पे है. ए में लिखा है फॉर अ पीरियड, यहां पे लिखा है ऑन अ पर्टिकुलर डेट. और आपको बहुत अच्छे से पता है कि पेनल अकाउंट फॉर अ पीरियड बनाया जाता है. तो सही जवाब है सी. ओ सॉरी, सही जवाब है आपका ए, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंसर्न फॉर अ पीरियड. चलिए, Which of the following is are prepared by non-profit organization? आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो non-profit organization बनाता है. Income and expenditure, हाँ. Receipt and payment, हाँ. Balance sheet, हाँ. तीनों तो बनाता है. ठीक है, तो D पे टिक कर दो, all of the above. Okay? चलिए, indirect material cost is part of. जो indirect material होता है वो, देखो आपने overheads के बारे में सुना होगा. Overheads के अंदर क्या आता है? Indirect material, indirect labor और indirect expenses. तो indirect material किसका part हो गया? ये हो गया आपका मटेरियल कंज्यूम्ड, ना प्राइम कॉस्ट, ना चार्जेबल एक्सपेंस, ना फैक्ट्री ओवरहेड. जी हाँ, ठीक है. मटेरियल कंज्यूम्ड शायद कुछ लोगों ने टिक किया होगा. देखो मटेरियल कंज्यूम के अंदर सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल आता है, और प्राइम कॉस्ट के अंदर सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट आती है, और चार्जेबल एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस को ही बोलते हैं. तो फैक्ट्री ओवरहेड इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैराथन में अभी हमने इतने सारे एमसीक्यू देखे, इसमें से कई सारे मैंने मैराथन पे करवाए थे. तो अगर आप लोगों ने उसको अटेंड किया होगा तो मुझे 100% श्योर हूं मैं कि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा गया होगा. ठीक है. तो आपको बताना है कौन सी चीज है जो प्राइम कॉस्ट में भी होती है कन्वर्जन में भी. तो देखो प्राइम कॉस्ट में क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर क्या होता है? कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर होती है आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और आपके फैक्ट्री के ओवरहेड्स. तो कॉमन क्या है? डायरेक्ट लेबर. ठीक है. तो सही जवाब है इसका सी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. आइए, इन क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू. जब हम कॉस्ट को फंक्शन के बेसिस पे बांटते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल एम्प्लॉय एक्सपेंस, नहीं, ये तो एलिमेंट के बेसिस पे होता है. मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. जी हाँ, फंक्शन के बेसिस पे यही क्लासिफिकेशन होता है. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एक्सेट्रा. ठीक है. फिक्स वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ये बिहेवियर के बेसिस पे होता है. कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे होता है. तो सही जवाब है आपका बी. द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू. कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग. सुनने में भी अच्छा लग रहा है. हाँ, सी इज द राइट आंसर. एड इन द फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. देखो ये भी किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, लेकिन उसने क्या बोला है? मेन पर्पस. तो मेन पर्पस है मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना डिसीजन मेकिंग के लिए. चलिए अगला देखते हैं एमसीक्यू. विच वन इज फॉल्स. इन चारों में से आपको बताना है कौन सा गलत है. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन आउटपुट. देखो अगर आपका आउटपुट बढ़ा ना
तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो जाती, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम होती है ना, फिक्स कॉस्ट सेम है, आउटपुट आप बढ़ा रहे हो तो ज्यादा आउटपुट बढ़ रहा है, फिक्स कॉस्ट सेम है तो वही सेम फिक्स कॉस्ट, अब आप ज्यादा आउटपुट भी दोगे तो पर यूनिट कम होता जाएगा, तो ये गलत, विच वन इज फॉल्स? आपको आपका जवाब मिल गया, ये गलत है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है, तो यही सही जवाब है, ठीक है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट इन्वॉल्व पेमेंट टू आउटसाइडर, बिल्कुल सही। रेंट ऑन ओल्ड बिल्डिंग इज एन इम्प्यूटेड कॉस्ट, बिल्कुल सही। टेंडर इज एन एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, 100% करेक्ट, तो सही जवाब है ए, एक जो कि फॉल्स है। स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें ब्रेकअप होता है कॉस्ट का? कॉस्ट शीट, और क्या है? कॉस्ट शीट पढ़ा है आपने, कॉस्ट शीट में क्या होता है? कॉस्ट को हम ब्रेक करके दिखाते हैं, है ना, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह वगैरह। कॉस्ट यूनिट इज, मुझे पता है बहुत लोगों ने गलत किया होगा इसको, कॉस्ट यूनिट किसको बोलते हैं? मेजर ऑफ वर्क आउटपुट इन अ स्टैंडर्ड आर, बिल्कुल नहीं, कॉस्ट यूनिट कोई जरूरी नहीं कि आर्स में हो, सिर्फ अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर अनसर्टेन, बिल्कुल सही। कॉस्ट यूनिट, देखो कॉस्ट यूनिट प्रोडक्शन की या सर्विस की वो सिंगल यूनिट होती है जिसकी आप कॉस्टिंग करते हो, जिसकी आप कॉस्ट फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो सही जवाब है बी, ना कि कॉस्ट पर लेबर आर कॉर्पोर मशीन आर, ठीक है। तो आई होप आपने सही किया होगा ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल व्हेन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज 53,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 9,000 एंड ओपनिंग स्टॉक इज 6,000। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब देखो रॉ मटेरियल कंजम्पशन आपको दे रखा है 53,000, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 6,000, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 9,000। ऐसे ही कुछ मिलता तो क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, और परचेसेस आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी होगी तो आपने बड़े आराम से इसका आंसर निकाल दिया होगा, कितना, 56,000 रुपीज। तो करेक्ट आंसर है बी, 56,000। आइए, Which of the following terms is are excluded from the cost account? इनमें से कौन से ऐसे terms हैं जो cost accounting में नहीं होते? Income tax नहीं होता, ये financial accounting में होता है। Interest on debenture कभी नहीं सुना है, ये भी नहीं होता। Cash discount भी नहीं होता है, ठीक है। तो सर ये तो तीनों ही नहीं होते cost account में, बिल्कुल सही कहा, तो D पे टिक कर दो, all of the above। Direct wages आपके हैं 2,46,000, ध्यान से देखिएगा। ऐसा एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन या ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने मैराथन में भी किया था। डायरेक्ट वेजेस 2,40,000 है, फैक्ट्री कॉस्ट 5,60,000 है। इफ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड, ना फैक्ट्री कॉस्ट नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड इज 3:1, आपको बताना है कि मटेरियल कॉस्ट कितनी थी। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखो डायरेक्ट वेजेस 2,40,000 है, या डायरेक्ट वेजेस इस टू फैक्ट्री ओवरहेड का रेशियो कितना है, पहले तो ये देख लेते हैं, 3:1। अब आपको डायरेक्ट वेजेस पता है 2,46,000 है, ठीक है। तो अब ये 2,46,000 किसके इक्वल है, 3:1, यानी कि क्या मैं बोल सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू 3/4। तो अब इसको रिवर्स कर दो, यानी कि 2,46,000 इंटू 4/3 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 3,28,000, ठीक है। आपको क्या मिल गया टोटल यहां पे, 3,28,000, 3,28,000 ये है। अब इसका अगर आप 1/4 ले लो तो आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स मिल जाएंगे, कितना आ रहा है, 3,28,000 डिवाइडेड बाय 4, 82,000। तो 82,000, ध्यान सुना, डायरेक्ट वेजेस कितने आपके 2,40,000, अभी अभी आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाले 82,000 के, आपको बता रहे हैं मटेरियल कॉस्ट कितनी। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट तो होता है ना। डायरेक्ट मटेरियल कितनी आपकी, डायरेक्ट मटेरियल सॉरी हमको फाइंड आउट करना है, तो एक्स ले लो, डायरेक्ट वेजेस 2,46,000 है और ओवरहेड्स आपके हैं 82,000 जो अभी अभी आपने निकाले, और ये सब किसके इक्वल है, फैक्ट्री कॉस्ट जो कि है 5,60,000। अब बताओ एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते बहुत आराम से, तो 5,60,000 माइनस 2,46,000 के वेजेस माइनस 82,000 के फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ये आ गया आपका 2,32,000। सही जवाब है डी, 2,32,000 रुपीज। इंटरेस्टिंग था जी हाँ। आइए, विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज बाय स्पेयर पार्ट्स, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बैच कॉस्टिंग लगाया जाता है जो स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वहां पे। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस आर फॉर्म अ पार्ट ऑफ, डायरेक्टर्स का जो रेम्यूनरेशन होता है उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाते हैं, ठीक है। तो सही जवाब है इसका बी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज कैश कॉस्ट, सवाल ही नहीं होता,
कैश पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो सर ये तो एक हाइपोथेटिकल कॉस्ट हो गई। जी हाँ, नोशनल कॉस्ट। संक कॉस्ट तो वो होती है जो पास में होती है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट सवाल ही नहीं होता। प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मुझे डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं बस, ठीक है। तो सही जवाब है आपका बी, यानी कि नोशनल कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 किससे रिलेटेड होता है? तो अगर आपने सीएएस पढ़े होंगे और देखा होगा नाम, तो आपने एक बार में इसका आंसर दिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं दे पाए हो, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रिलेटेड होता है पैकिंग से, पैकिंग मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नोन एज, पीछे भी एक एमसीक्यू था जिसमें मैंने आपको बताया था कि चार्जेबल एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नोन एज डी चार्जेबल एक्सपेंसेस। आगे बात समझ में? अरे आपके जो भी करेक्ट सॉल्यूशन से मैंने आपको बता दिए, एंड आई होप आपने क्रॉस चेक कर लिया होगा कि क्या सही था क्या गलत था, और आपको अब तक पता चल गया होगा कि आप कितना स्कोर करने वाले। आई होप, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें से मेजर क्वेश्चन हमने मैराथन में कवर किए थे, मेजर क्वेश्चन। ओके,